हमीरपुर शहर के सौंदर्यकरण को लेकर जिला प्रशासन की कवायद में खोखा धारकों के अपनी जगह से न जाने के फैसले से अड़ंगा बना हुआ है। हमीरपुर बस अड्डे के सामने पुराने खोखा धारकों को जगह खाली किए जाने का नोटिस दिए जाने पर खोखा धारक भड़क गए हैं और खोखा धारकों ने जिला प्रशासन को दो टूक शब्दों में पुराने खोखों को छोड़ने पर ग्राउंड फ्लोर पर नए खोखे लेने की बात कही है। साथ ही खोखा धारकों ने ऐसा न करने पर जगह को खाली न करने की भी बात की है। प्रशासन के द्वारा नोटिस में छूट गए खोखाधारकों को पहले आओ पहले पाओ का मौका दिया गया है, लेकिन इस पर खोखाधारकों में मलाल है कि खोखा कहां पर दिया जाएगा क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर जगह नहीं बची है। खोखाधारक काकू का कहना है कि जिला प्रशासन के नुमाइंदों के द्वारा भी बार बार अलग अलग बात कही जा रही है और पहले हमें अपनी जगह पर ग्राउंड फ्लोर में खोखे देने की बात की गई थी, लेकिन अब वहाँ पर खोखे नहीं दिए जा रहे हैं। उन्होंने एसडीएम से मांग की है कि पिछले 40 सालों से खोखा चला रहे हैं, इसलिए प्रशासन को चाहिए कि खोखाधारकों की मांगों को पूरा करे। प्रशासन हमें बिना वजह नोट पे नोट भेजी जा रही है। एक तो कोरोना की मार लगी हुई है, एक तो हमें रोटी के लाले पड़े हुए हैं, दूसरी तरफ ये नोट पे नोट भेज जा रही है। कभी कमेटी वाले भेज रहे हैं, कभी एसडीएम भेज रहा है। हमें प्रशासन बताइए पहले आओ पहले पाओ का क्या मतलब है। जब हमें दुकानें अलॉटमेंट सरकार ने की है तो हमें उसी हिसाब से दुकानें अलॉट करनी चाहिए थी, ना कि पहले। वहीं खोखाधारक विनोद का कहना है कि खोखाधारकों को अपनी जगह पर ही खोखे दिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन रोज रोज नोटिस देकर दुकानें खाली करने की बात कर रहा है, लेकिन जब तक ग्राउंड फ्लोर पर खोखे नहीं दिए जाते तब तक दुकानों को खाली नहीं किया जाएगा। और हमें आज नोटिस के माध्यम से भी बताया गया है कि आपको 23 जून से लेकर 1 जुलाई तक हमारे को टाइम दिया गया है कि आपको पहले आओ पहले पाओ। तो हमें ये भी बताया जाए कि कहाँ आओ पहले आओ कहाँ पाओ, इसके बारे में एसडीएम साहब हमें ये बताएंगे और हमारे साथ मीटिंग करें कि हमें ये कहाँ दी जाएगी दुकान में। और ये साहब भी हमारे को नोटिस पे नोटिस जारी दे रहे हैं कि आप दुकानें खाली करो, आपको जेसीबी चला दी जाएगी। तो क्या हम ऐसे ही बैठे हैं यहाँ पर? 40 साल हो गए हमें किराया देते हुए यहाँ इनको। और दूसरी बात है कि हमारे जो लोग यहाँ बचे हैं 21 लोग बचे हैं, इनको अलग अलग तरीके से ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इनके बाल बच्चे नहीं हैं? उनके बाल बच्चों को नहीं पाल रहे हैं ये लोग कहाँ जाएंगे? अगर देने हैं तो सभी को इकट्ठी दुकानें दो, जिससे कि हम जाने के लिए तैयार हो जाए और रोड भी खुला हो जाएगा। तो ये हमारे साथ ठीक ढंग से बात नहीं करें, बल्कि हमारे को दर्द वाजे दुआ रहे हैं। और रोज़ डे बाई डे नया से नया नोट तैयार हो जा रहा है, जिससे हमारी दिमागी संतुलन खो रहे हैं। और हम आपस होने के बाद जो भी बात कर रहे हैं, पता नहीं हम ठीक बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। एसडीएम साहब हमारे लिए कुछ अच्छा उचित करें, जिससे हमारी रोजी रोटी ठीक चल पड़े। गौरतलब है कि हमीरपुर बस अड्डे के सामने प्रशासन के द्वारा नए खोखों का निर्माण करवाया है और प्रशासन ने खोखाधारकों को नए खोखों में शिफ्ट होने का आदेश दिए थे, लेकिन इनमें से कुछ खोखाधारक फैसले को लेकर हाईकोर्ट में चले गए थे, जिस पर हाईकोर्ट का फैसला भी नगर परिषद के पक्ष में आया है, जिस पर बचे हुए खोखाधारकों को भी प्रशासन ने पीछे जाने के आदेश दिए हैं। वहीं इस दौरान प्रशासन ने पहले आओ और पहले पाओ की तर्ज पर खोखों को देने का फैसला भी लिया था, जिसमें कुछ खोखाधारक शिफ्ट हो गए थे, लेकिन जो रह गए थे वे अब मांग कर रहे हैं कि हमें ग्राउंड फ्लोर पर ही खोखे दिए जाएं, जिससे मामला रोजाना पेचीदा होता जा रहा है।